मैं किसी से नहीं पूछती है, लेकिन आई रियली वांट टू आस्क यू हाउ ओल्ड आर यू? आई जस्ट टर्न 19. यू जस्ट टर्न 19 और इनकी आप अभी आवाज सुनेंगे ना, अगर आप यकीन नहीं कर पाएंगे. सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आपने ऑफ कोर्स कॉन्सर्ट्स में भी गाया हुआ है, अली जफर के साथ भी गाया हुआ है, हसन रहीम के साथ भी गाया हुआ है, राइट? तो ये कितने टाइम से आप कॉन्सर्ट्स और इन सारी जगहों पे गा रहे हैं? कॉन्सर्ट्स प्रोफेशनली इट्स बीन लाइक अराउंड 3-4 इयर्स प्रोफेशनली करते हुए, लेकिन वैसे आई मीन आई बीन सिंगिंग सिंस चाइल्डहुड, तो बचपन से ही गा रहा हूं. वाओ, यप, ठीक है. अब इनकी आवाज़ में हम आपको एक खूबसूरत सा गाना सुनवाते हैं. आपको लगेगा कि मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, अभी आपको प्रूफ करके दिखाते हैं. सो प्लीज़ अगर आप अपनी आवाज़ में हमें कुछ सुनाएं, यू वुड बी ब्लोन अवे, ट्रस्ट मी. होपफुली पीपल लाइक इट. तो ये गाना है खमाज का मूरा सैया, शफकत अमानत अली. सावन भी तो जाए प्यारवा, सावन भी तो जाए प्यारवा, मन मेरा घबरा, मन मेरा घबरा है, सुए परदेस पिया तुम है, सो गए परदेस पिया तुम, चैन हमें नहीं आया, मोरा सैया मुझसे बोलना, मोरा सैया मुझसे बोलना, मैं लाख जतन कर हारी, लाख जतन कर हारी, मोरा सैया मुझसे बोलना. Wow, समर, ये जो मुर्खियाँ लगाई है इतनी यंग उम्र में, कब से आपने क्या बाकायदा सीखा है किसी टीचर के साथ? नहीं नहीं, मैंने सीखा नहीं, इट्स जस्ट कि ऑब्जर्वेशन है कि मैं सुनता हूँ तो मुझे पता होता है कि क्या सिंगर क्या कर रहा है, तो आई मीन उस तरह से सीखा है, बट इट्स नॉट लाइक ए प्रॉपर उस्ताद रखे हैं कभी. ठीक है, रखने चाहिए. नहीं बिल्कुल, एब्सोल्युटली, क्या अमेजिंग पोटेंशियल है, कोई एफर्ट उस पे नहीं था. मुझे ये बताएं, गिवन योर एज, कि व्हाई डिडंट यू थिंक ऑफ जैसे पॉप में, रॉक में, किसी और चीज में, व्हाई थोड़ा क्लासिकल की तरफ? प्रोबेबली बिकॉज मेरा वोकल टेक्सचर ऐसा नहीं है कि मैं रॉक करूँ या फिर बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शन वगैरह सारी चीज़ें करूँ, तो आई थॉट के दिस इज़ नाइस, यू नो, साउंड सूदिंग एज वेल, तो मुझे था कि अच्छा लगेगा लोगों को भी. ठीक है, तो रॉक में ज़्यादा चाह नहीं रहा था. सही है, दिस इज़ योर टाइप. अच्छा, मुझे ये बताइए, आप अपनी एल्बम पे भी आप काम कर रही हैं और दैट इज़ योर ओन म्यूजिक, तो आपने गाया उसको है, कंपोज वगैरह सब कुछ किसने किया? ये सारी चीज़ें मैंने खुद करी हैं. वाओ, या मैंने लिखा भी खुद है और फिर उसको कंपोज भी खुद ही कर रहा हूँ, मेलोडी वगैरह सारी मेरी है, तो एक ओरिजिनल है अगर आप कहें तो. बिल्कुल, व्हाई नॉट. तो यस, ये है एक ओरिजिनल, आई जस्ट गिव अ लिटिल स्नीक पीक, ज्यादा नहीं सुनाऊंगा, जस्ट अ लिटिल स्टैंजा. ओके, तो ये मैंने खुद लिखा था. चलो दूर कहीं, नहीं कुछ भी यहीं, जहां नहीं कोई सुकून है, अफसानों में भी कहानी ऐसी नहीं, जब जब तुम सांस लो जी लूं मैं जिंदगी, दुनिया जहां की बात तुमसे कह दूं, दिल की बातों में लफ्ज खो दूं, मिल जाए नजरें आंखों से मैं ये कह दूं, बातें करना घबरा तुम ना जाना, छोड़ो दुनिया को तुम हो जाए गुमसुम, हाजिर हूँ मैं तुम्हाराई हूँ मैं, बोलो एक दूजे में हो जाए हम तुम. जबरदस्त, इट इज सो ब्यूटीफुल. और सबसे मजे की बात मैं आपको बताऊं, सबसे मजे की बात ये है कि जब आप गा रही हैं ना, एक तो सुर भी है और फीलिंग भी है, सो ये आप में नेचुरली है, बिकॉज बहुत सारे सिंगर्स होते हैं, दे हैव अमेजिंग वॉइसेस, मगर ये फीलिंग की कमी होती है.
नेचुरली है, इट्स लाइक गॉड गिफ्टेड, शुक्र अल्लाह का. मेरा यही डर है किसी दिन मैं अगर सुबह उठूं और मुझसे गाया ना जाए तो मेरा यही डर है कि भाई ये तो कायम काम ही खत्म हो जाएगा. लेकिन आप क्या प्रैक्टिस करती हैं, रियाज होता है कुछ 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 सीरियस इसको लेते हैं या बस भाई नेचुरली गिफ्टेड तो हूं, सही है? एक तरीके से ये भी होता है, लेकिन यस रात में सोने से पहले मैं लाजमी एक दफा गिटार जो है अपने साथ रखता हूँ, ठीक है, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करता हूँ, थोड़े बहुत गुनगुनाता हूँ, बिकॉज एटलीस्ट प्रैक्टिस में रहूँ, नॉट लाइक कि बिल्कुल ही छोड़ दूँ इस चीज को. तो ये होता है. एंड आर यू एबल टू डू इट पढ़ाई के साथ साथ, फैमिली की, सब लोगों की सपोर्ट? जी 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 बिल्कुल, एवरीबॉडी इज सपोर्टिव, हर कोई जो है वो मुझे सपोर्ट करता है. इनफैक्ट अब्बू और अम्मी दोनों जो है ना वो अक्सर जब गा रहा होता ना तो बताते हैं ये सुर लगाओ, ये अच्छा लगेगा, ये करो, सारी चीजें, तो वो सुनते हैं बकायदा हर चीज. तो यार दे वेरी सपोर्टिव इन दिस. नाइस. तो उनको शौक है सुनने का, लेकिन या वो गाते वाते भी हैं कोई ऐसा? नहीं गाते तो नहीं है एक्चुअली, मुझ में एक मैं डिफॉल्ट जो है वो पीस आ गया हूँ घर में, मैं ही गा रहा होता हूँ और मैं ही मीडिया वाली साइड पे हूँ, अदरवाइज किसी को ऐसा नहीं है शौक. Amazing. You're such a, such a, such an amazing rising star. Thank All the you, best thank you. For you. So अगर आप किसी भी इंसान को मैसेज अगर देना चाहते हैं who is, I don't know, as young as you, as talented as you, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे समय? जिस के, honestly, मैं ये कहता हूँ कि इंसान का वक्त ख़त्म नहीं होता किसी भी चीज़ से. आई थिंक वी ऑल शुड कीप ट्राइंग, जो भी हम लोग करते हैं हम लोगों को करते रहना चाहिए. आई मीन बहुत सारे ऐसे पार्ट्स आते हैं मेरे भी कि मुझे ऐसा लगता है कि यार शायद मैं एक्सेल ना कर पाऊँ. इट्स लाइक अ क्वेश्चन दैट आई आस्क टू माई सेल्फ ऑलमोस्ट एवरी डे के पता नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा, लेकिन आई थिंक अल्लाह में यहाँ पे भरोसा रखे इंसान और करता रहे, हमारे हाथ में कोशिश ही, हम क्या कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा. सो वी शुड कीप ट्राइंग एंड नॉट लूज होप एट लीस्ट फॉर नाउ. जबरदस्त टीनेजर से ऐसा मैसेज आ रहा है, हमें सीखना चाहिए जनाब. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच. अब हम आपसे मिलेंगे जनाब अगले दिन एक नए टॉपिक के साथ और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के साथ. तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, सबको दुआ में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.